हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरी स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइज अच्छे होगे और मैं भी। आप लोग को कमेंट से थोड़ी सी अच्छी हूँ, थोड़ी सी हौसला मिला है मुझे। और पहले आप लोग को दिल से थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो पे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और मैं आज आप लोग को मतलब कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, आज आप लोग को टॉपिक में मैं बात करूँगी। आप लोग जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, वह हर किसी का कमेंट आ रहा है कि डियर आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था। कोई पूछ रहा है दी आपके हस्बैंड कहाँ गए, तो अगर कहीं जाते बाबू तो हो सकता है वो वापस आ जाते। यहाँ मेरे दिल का हौसला रहता कि गए हैं वापस आ जाएंगे, बट उनको लोग इस जगह पर लेकर चला गया कि जहाँ से लोग वापस नहीं आता है वहाँ वो चले गए। मैं लाख कोशिश कर ली, रो ली, गा ली, पटक ली, चूर ली, हर चीज़ कर ली, भगवान से प्रेयर की, हर चीज़ की, बट वो वापस नहीं आए। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो कहाँ चले गए। वो इस लोक में चले गए कि जिस लोक से आदमी वापस कभी भी नहीं आता है, वहाँ चले गए वो। और आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो मैं सोची एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से टॉपिक स्टार्ट करूँ तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। मैं छोटी छोटी पॉइंट आप लोग को बता देती हूँ। तो गाइस, मैं ना हरियाणा में रहती थी, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे हरियाणा में, तो हम लोग बहुत हैप्पी फैमिली थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे अपने बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ। दो बच्चे हमारे हैं, देखे आप लोग, और मैं और मेरे हस्बैंड चार फैमिली रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। मतलब उस टाइम हर कोई को दर्द होता था कि ऐसे खुशहाल कैसे रहती है, इतना खुश। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, तो हर किसी को ये रहता था कि इसके हस्बैंड इतना प्यार क्यों करता है। तो बहुत अच्छे से रहती थी। बदकिस्मत की मेरे हस्बैंड के लॉकडाउन में जॉब छूट गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड गांव चले आए, बिहार चले आए, जहाँ पे मेरा घर है वहाँ चले आए। यहाँ से भी बहुत कोशिश किए, जॉब का इंटरव्यू देते थे, उस टाइम नहीं लगी इनकी जॉब। फिर पता नहीं मेरे हस्बैंड को अचानक से बिजनेस का पता नहीं कहाँ से ख्याल आया। मैं बहुत कोशिश की रोकने का कि बिजनेस मत करो, बिजनेस मत करो, क्योंकि हमारे पास खुद का बिजनेस के लिए इतना पैसा नहीं था कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और इनकी कहीं से कोई सपोर्ट घर से नहीं थी, इनके जो घर वाले हैं इनको सपोर्ट कभी भी नहीं करते थे, आज तक मुझे भी नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट कहाँ से, कहीं से भी नहीं थी। तो मैं बहुत मना की, कोशिश की कि ये बिजनेस नहीं करें, बट फिर भी वो बिजनेस किए, मेरे भैया से पैसा लिए, भैया से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किए। 14 या 15 जनवरी को मेरे बिजनेस हस्बैंड फैक्ट्री खोले, काटी फैक्ट्री खोले, उसका ओपनिंग हुआ, पूजा हुआ, हर चीज़ अच्छे से चला। जान सकते हो कि जिसके पास खुद का पूंजी ज़्यादा नहीं होता है तो ज़्यादा माल नहीं लगा पाता है, बट जो भी मेरे हस्बैंड लाए थे उनका एक किल तक नहीं बचा था, सारा सेल हो गया था। और उनको मतलब माल लाना था, सेकंड टाइम लाना ही था। उसी दौरान क्या होती है, मार्च में, 2 मार्च की घटना है, मेरे घर में एक पेंटर लगा हुआ था, पेंट कर रहा था घर को। पेंटर का काम लास्ट था, थोड़ा बहुत काम जो टूटा फूटा था वो बचा था उसका, बाकी सारा लास्ट फिनिशिंग हो गया था, पैसे वगैरह अपना पूरा पे ले लिया था उसने। लास्ट थे 2 मार्च को पेंटर आता है, पहले मेरे ससुर को खोजा, मेरे ससुर पता नहीं किस काम से बाहर गए थे, मुझे नहीं पता, मुझसे पूछा, मैं बोली ससुर नहीं है, बाहर गए हुए। मैं पेंटर से बोली तुम अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है वो काम करो, तुम किसी को क्यों खोज रहे हो, पेंट ऊपर बचा हुआ है, जहाँ जहाँ पेंट हट गया वहाँ तुम पेंट करो जाकर। वो मुझसे बोलता है दीदी आज मैं नहीं करूँगा, कल आकर करूँगा। क्या प्लानिंग था मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि क्या प्लानिंग करके वो आया था, किसके थ्रू आया था प्लानिंग करके, मुझे नहीं पता था। वो मुझसे पूछा कि दीदी भैया कहाँ है, मेरे हस्बैंड के बारे में। मैं बोली मेरे हस्बैंड नहा रहे थे। मैं बोली भैया से आपको क्या काम है, तो ऐसे भैया से कोई बात करना है। आया पता नहीं, मेरे हस्बैंड नहा कर निकले, मैं झाड़ू निकाल रही थी,
मेरे हस्बैंड नहाकर निकले, यहाँ पे हॉल में खड़े ही हुए, तो पता नहीं मेरे हस्बैंड से पेंटर क्या बात किया जाकर, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि झाड़ू निकाल रही थी, तो इतना में ही देखी कि मेरे हस्बैंड मतलब पेंटर निकल गया, उसके पीछे पीछे मेरे हस्बैंड जाने लगे। मैं बोली खाना नहीं खाए हो, कहाँ जा रहे हो? हस्बैंड बोले आ रहा हूँ, इसको ये मकान दिखाया हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा इसको बात करवाना है। मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा भी की, अरे ये पेंटर का काम करता है, इसका काम है, आप इसके पीछे क्यों चल रहे हो? मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं अरे मेरे वजह से 2 रुपया कोई कमा लेगा तो उसमें मेरा क्या नुकसान है? हस्बैंड को अपनी जबरदस्ती 2 रोटी खिलाई, खा नहीं है, कहाँ कर। हस्बैंड चले गए, पेंटर को वहां से पता चला कि 2,000 रुपये दिलवाए थे जिस मकान में पेंट के लिए बात हुई थी। उसके बाद पेंटर फैक्ट्री पे चला गया, मेरे हस्बैंड भी चले गए। मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ खाना खाने के लिए कि आ जाओ खाना खाने, तो हस्बैंड बोले थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड और पेंटर कहीं निकल गए एक स्कूटी से, पेंटर स्कूटी लगा दिया, अपना स्कूटी जो था वो मेरे फैक्ट्री पे लगा दिया, और मेरे हस्बैंड के स्कूटी से वो निकल गए। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं अपने हस्बैंड से फोन पे पता नहीं, उसने मुझे बेचैनी टाइप का लग रहा था, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ बार बार, खाना नहीं खाने आओगे? थोड़ी देर में आऊँगा, काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। नहीं आए। लास्ट 2:34 में मैं बात की हूँ अपने हस्बैंड से, उस दिन 2 मार्च की 2:34 में मैं बात की हूँ। उस टाइम बोले तुम खा लो, मैं बाहर निकल गया हूँ कहीं, मुझे पता नहीं, खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देख रही थी। वीडियो देखते देखते मेरा एक छोटा भाई आता है, पूछता है दीदी जीजा जी कहाँ? बोली पता नहीं जीजा जी कहाँ गए हैं। उस टाइम से मेरे हस्बैंड कॉल नहीं उठाने लगे थे, 3:30 4 बजे में कॉल की, नहीं उठाने लगे। बोले पता नहीं जीजा जी कहाँ है। बोला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ पैर पूरा कांपने लगा, अभी तो मैं बात की थी ठीक थे, अचानक से एक्सीडेंट। मैं सोची एक्सीडेंट हाथ पैर टूटा होगा, कुछ ऐसा हो, बट पता चला कि मतलब काफी लोग जुट गए कॉलोनी में, इधर से उधर, मैं बिल्कुल ऑपलेस हो गई थी, लोगों को देख के चीखने चिल्लाने लगी, मुझे सब खींच कर अंदर ले आया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस चीख लगा रही थी। उसके बाद पता चला मेरी हस्बैंड ठीक है, उनकी सांसें चल रही है, वो होश में। सब गाइज फटाफट उनको जहां से जहां हॉस्पिटल बुझाया, रेफर पे रेफर, रेफर पे रेफर करते करते लास्ट रिम्स हॉस्पिटल रांची गए। रांची गए उसके बाद पता चला कि मतलब देखी मैं भी पहुंची तो हस्बैंड का ये जो सिर था, अगर मेरे पास फोटो होती तो मैं यहाँ पे टैग कर देती, बट मेरा फोन हो खराब हो जाने की वजह से मेरे पास फोटो नहीं है। मेरे हस्बैंड का जो इस सिर का पोर्शन होता है वो पूरा मार के बाहर निकाला हुआ था, सिर पे पत्थर से मार मार के, जो ब्रेन होती है ना उस हरा बार, मतलब यहाँ का ये पोर्शन था ही नहीं उनका। उसके बाद जब मैं फोटो देखी थी, उनका जो मांस है ना सब छिटाया हुआ था, हर बॉडी में छिटाया हुआ था। फिर उनकी ऑपरेशन हुई, ऑपरेशन हुई उसके बाद थोड़ी देर मतलब 18 से 20 घंटा तक वो जीवित रहे थे। उसके बाद अचानक से हम लोग छोड़कर, उसके बाद हम लोग को छोड़कर वो चले गए। तो मुझे यूं नहीं समझ में आता है कि आखिर पेंटर मेरे असर का जान क्यों लिया। नहीं मेरी कोई दुश्मन थी पेंटर से, नहीं तो मेरे हस्बैंड की दुश्मनी थी पेंटर से, और कहीं किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। आज के डेट में लोग बहुत बात बनाते हैं, जब हस्बैंड चले गए तो बहुत लोग बात बनाते हैं, बट उस टाइम किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, नहीं तो मैं आज तक किसी से बदतमीजी से बात करने गई, और ना मेरे हस्बैंड बदतमीजी से किसी से बात किए थे। एक
छोटी सी झगड़ा जो हुई थी घर में हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कभी कोई नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। पता नहीं भगवान उससे परेशान होके छीन लिया, क्या किया, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है। बट भगवान को तो इतना देखना चाहिए कि इन लोगों को छीन लूंगा, इसको छीन लूंगा तो इन लोगों कौन है, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे यार। मुझे बहुत टेंशन होती है अपने बच्चों को देखकर, यकीन नहीं करोगे। मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, नहीं बोलती हूँ, पता है लोग कमेंट बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं हर किसी से शेयर नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि अपने बच्चे को मैं कैसे पालती हूँ। जब मेरे हस्बैंड थे तो एक बच्ची की तरह मैं अपना जिंदगी जीती थी, एक बच्ची की तरह हरकत था मेरा। बट अब मैं जानती हूँ कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ छोटे छोटे दो बच्चे को। मैं जॉब करती हूँ, मेरा इनकम भी इतना नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बच्चे को खुश रखने का। बच्चे हमारे खुश रहे, तो प्लीज आप लोग, मैं ये हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग जितना कमेंट किए हो, हर किसी के पास मेरी वीडियो हो जाए कि दोबारा आप लोग कमेंट नहीं करो। मैं पहले भी वीडियो बनाई थी, बट मैं सोची आप लोग को न्यू न्यू आए हो, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ आप लोग के लिए। तो मैं मेन मेन पॉइंट गाइज आप लोग से शेयर की हूँ। आप लोग को मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहती हूँ, अभी इतना पता है मेरे हस्बैंड की मौत बहुत तड़पा के हुई, बहुत तड़पा के, उनको तड़पा तड़पा के मारा, पर क्यों मारा ये मुझे नहीं पता। देख सकते हो मेरा फैमिली कितना हैवी थी, बेटा बेटी मैं मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी थी, बहुत हैप्पी, किसी का कोई हेल्प का जरूरत नहीं पड़ता था। कभी ऐसा फील नहीं हुआ हस्बैंड के रहते हुए कि मैं बहुत टूटी हूँ या किसी चीज से परेशान हूँ, कभी भी नहीं हुआ। अब मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ कि मैं दो बच्चे को कहाँ से करूंगी। मेरे दो बच्चे अभी मतलब धरती पे आए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, बस इतना होश है कि मेरी डैडी, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानते हैं। और मुझे बहुत टेंशन से सिर में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाई कराऊंगी। मुझे शादी का बिल्कुल टेंशन नहीं होता, बट पढ़ाई का बहुत टेंशन होता। क्या से क्या सपने देखे थे, बहुत सपने सजा कर रखे थे, अपने बेटा को ही करवाऊंगी, बेटी को ही करवाऊंगी, बट मुझे नहीं पता कि मेरा सपना 1 मिनट में चूर चूर हो जाएगा। एक मिनट में सारा सपना टूट गया। इतने ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगी, मेरा तो स्टोरी इतना दर्दनायक है, इतना दर्दनायक, अब तो पूरे दिन भी सुनोगे तो खत्म नहीं होएगी, बहुत बहुत ज्यादा ही मेरा स्टोरी जो है बहुत टफ है। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में शेयर की हूँ कि आप लोग भी मतलब क्वेश्चन जो कर रहे थे आप लोग समझ सको कि मेरा स्टोरी क्या है, मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसलिए मैं छोटा छोटा स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत हंसती हूँ, खेलती हूँ, नाटक करती हूँ कि मैं मतलब बच्चे को खुश रखूँ, अपने आप को ये टेंशन से कि मेरे सिर में दर्द होता है तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू तो 3 महीने दवाई और इंजेक्शन पे चली हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर कुछ होता नहीं है इतना जल्दी,
अगर ऐसा मौत हो जाए तो डर ही नहीं लगे, बट डर इस चीज से लगता है मुझे कि अगर मुझे कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा मुझे दिखाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। आज फीवर भी लगती है ना, खुद से जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ तो जाके दवा लेकर आती हूँ, बट मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अपने आप को।